करेंटली उससे बात हुई आपकी? हाँ बात किया था। तू क्या बोला? उसने क्या बोला, हम खुद तो 4 दिन का लिया है, तू उस टाइम आके दे दे, बस कुछ प्रॉब्लम हो गए तू ही दिख कर ले। अरे यार ऑल सेट टू गो और अब निकलते हैं यहाँ से। अभी हम सोलन से 30 किलोमीटर पहले और यहाँ से निकलते हैं। अब देखते हैं आज का सफ़र कहाँ तक होता है, रामपुर तक होता है या सांगला तक होता है। लगेज रेडी हो चुका है और गियर अप हो चुके हैं पूरे, अब यहाँ से निकलते हैं। चले भाई चलो पानी पी के। तो ये है रॉयल एनफील्ड, रख ले। तो अभी निकल चुके हैं हम और बाइक पे, और मैं भी एज ए पिलियन जा रहा हूँ अभी ऐसे, और आगे जाके नारगंडा या कुफरी में जाके करेंगे बाइक राइड। डेट हुई आज और डेट 8 मार्च और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ का। अभी तक तो यहाँ का 10-11 डिग्री टेम्परेचर है, रात को थोड़ी ठंड थी पर अब सुबह धूप आ गई, अच्छी धूप निकली हुई है और रोड भी बहुत अच्छी है। देखते हैं स्पीति, पहली बार फर्स्ट टाइम स्पीति कर रहे हैं, कैसे स्पीति अनुभव कैसा होता है बर्फ के ऊपर राइडिंग करना। पीछे से आ रहा है भाई रोहित आ रहा है। तो थोड़ी सी भीड़ भड़क का है बीच में, ये शायद हम धर्मपुर से आगे आ गए, यहाँ से ब्रिज बन रहा है इसलिए काम वाम चल रहा है ब्रिज का, तो थोड़ा सा जाम लगा हुआ है यहाँ। ऑलवुड हाईवे के कारण थोड़ा सा जाम लगा हुआ है यहाँ, थोड़ा सा कीचड़ भी हो रखा है थोड़ा। अभी जैसे ये दिख रहा है कीचड़, ये तो बरसात का पानी वानी है शायद। अभी जैसे कुफरी पहुंचेंगे, कुफरी मिलेगा बिल्कुल बर्फ, ब्लैक आइस, और ब्लैक आइस मैंने सुना है कि खतरनाक होती है। एक बार मैंने राइड करी थी बारालाचा पास में, जैसे ही आपके टायर जाता है स्लिप मारता है सीधा उस पर, तो आराम से ब्रेक को तो भूल जाओ, बस आप पास या सेकंड गियर में आराम से अपने स्लो राइड करते रहो। जहां आपने ब्रेक मारा वहीं आपकी बाइक स्लिप मारेगी। ये मैंने भी अपना सामान सारा लोड कर दिया रोहित की बाइक पे, तो थोड़ा इजी रहेगा, बढ़िया एकदम। इंस्टाग्राम में सचिन गो नोमैड, तो वहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हैं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए भी आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो वो पहले ही से इन्फॉर्मेशन आपको पता लग जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे तो वीडियोज लेट आते हैं तो थोड़ा लेट पता लगेगा, और अगर इंस्टाग्राम पर रहोगे तो अपडेट रहेंगे लेटेस्ट न्यूज़ एकदम बिल्कुल। तो फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जितना ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए, लाइक वाइक कमेंट वमेंट सब बढ़िया एकदम। रहे थे यहाँ से तो भाई का कोई करा था ओवरटेक गाड़ी से, तो भाई को थोड़ी कट मार गया, ये भाई लोकल ही है शिमला का, ये हमारे साथ तो नहीं है। भाई की थोड़ी चोट वोट लगी पैर में उसके, मैंने तो कर दी देखो। अब मैं लेके चलता हूँ भाई की गाड़ी बड़ी, इनको ड्रॉप करते हैं जहाँ तक इनका घर है वहाँ बीच में शिमला तक, यहाँ शिमला या शिमला से पहले कहीं आसपास। और भाई सुधीर भाई कैसे हो? बहुत कई दिन करते करते आखिर मिल गए आज। ये बाइक का एक्सीडेंट हो गया रास्ते में यार, हॉस्पिटल भी आते बंद हो गए। सब बढ़िया, कहाँ है आपको कैंप, कहाँ यही क्या? ये मेरा
सामने। अच्छा जी सामने यहीं पे। तो अभी स्टार्ट कर रहे हो आप कुछ कुछ कर रहे हो स्टार्ट? स्टार्ट तो कुछ नहीं है अरे बोर्ड बताई, बाकी मेरा है डॉर्मेटरी वगैरह का प्लान कर रहा हूं मैं भी। अच्छा डॉर्मेटरी, हां सही है डॉर्मेटरी का अपना हो जाता है बढ़िया। तो भाई अभी हम सोगी में, और सोगी में बस सुधीर भाई था उनके पास रुके हैं, और जस्ट यहाँ से चाय वाय पी के अब निकलते रामपुर के लिए। रामपुर यहाँ से कम से कम, रामपुर यहाँ से 100 किलोमीटर करीब है कम से कम, तो देखते हैं कब तक रामपुर पहुँचते हैं। चाय वाय हो गई, भाई का छोटा सा रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, मज़ा आ गया बहुत। SBI का बैंक, SBI का ATM है उसके सामने है, तो कभी किसी को आना हो तो रुक सकते हो भाई के पास। सुधीर शर्मा नाम है, फेसबुक मिल जाएंगे आराम से, और इनका कॉन्टेक्ट मैं दे दूंगा। बाकी बहुत अच्छी कोई भी हेल्प हो ये आपकी हेल्प करेंगे ऐसे में। तो भाई का करिए यहीं पास में, यहाँ से जस्ट ड्रॉप करते हैं और फिर यहाँ से फिर नारकंडा के लिए निकलते हैं। अब यहाँ से देख लो कितने निकलते हैं। यार ये क्या है भाई, भाई ये क्या है? नहीं वो तो ठीक है, ये क्या है? ये पैर मारा है, मिट्टी है ये, यार कीचड़ है ये। यहाँ से मुश्किल से 40 किलोमीटर होगा, और साथ में है लेखराज, लेखराज बाइक पे पूरी गिरफ है, गियर हो गए और एकदम बस रेडी है चलने के लिए। बढ़िया, और लेखराज कैसा रहा सफर? एकदम बढ़िया रहा, और अभी हम इवनिंग तक नारकंडा पहुंच जाएंगे लगभग 7-8 बजे के आसपास। हाँ तो वहाँ का भी आपको दिखाएंगे, वहाँ पे जो बाकी रोड ठीक है ना? ठीक है ठीक है, रोड बढ़िया है, और अभी तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है ऐसी। तो भाई शिमला में बर्फ देखने को मिली नारकंडा की तरफ जाते हुए, ये बर्फ है, थोड़ी थोड़ी बर्फ है और थोड़ा सा पानी वानी बिखरा हुआ है। भाई रास्ते में थे, बाइक मिला है, उसकी हिमालयन में दिक्कत आ रही है। ये रेंट पे लिए क्या? अरे ये रेंटो की बाइक का ये तो चक्कर, इससे रेंट ली उससे बात हुई आपकी? हाँ बात किया था। तो क्या बोला उसने? क्या बोला हम खुद तो 4 दिन का लिया है, तू उस टाइम आके दे दो बस, कुछ प्रॉब्लम हो गए तू ही ठीक कर ले। अरे यार अरे यही तो है, मैं कह रहा हूँ रेंट की बाइक का हाल बुरा रहता है। इस तरफ ले लेफ्ट साइड में करते हैं भाई, देखो स्टार्ट हो जाए तो दो कैसे गाड़ी बर्फ स्नो जमी हुई एकदम बढ़िया लग रही है, पर स्नो के साथ बर्फ पड़ रही है या सही है? कड़ा तो गिरी है, आगे नारकंडा कितनी दूर है यहाँ से? उसका रूट सही है वहां से, यहाँ से रूट सही है अभी, और रामपुर 100 किलोमीटर होगा। रामपुर से तो पीछे है रामपुर। अरे वायरिंग का बहुत इशू रहता है इसमें, वायरिंग का वायरिंग भयंकर ही। हिमालयन तो इससे मतलब ये तो लाख गुना अच्छी है। नहीं हुई स्टार्ट। अरे भाई रेंटो की बाइक में ये चक्कर, रेंट की बाइक लेने से पहले भाई 10 बार चेक करो, या ले आओ मत करो रेंट की बाइक तो दिक्कत करता है। बहुत धीरे धीरे चलाएंगे आराम से बाइक, पानी भरा हुआ है पूरे में। ये तगड़ी बर्फ है यहाँ, तगड़ी अभी मतलब इतनी तगड़ी भी नहीं है, पर
आगे आएगी ज़्यादा तब्दील। और बाकी एक अलग ही मजा है पानी में बर्फ में बाइक चलाने का। ओहो या भाई फॉग, कुफरी में है बर्फ, नीचे शिमला में तो नहीं थी बर्फ। बर्फ तो कम से कम 20 से 25 किलोमीटर हम ऊपर आए जब जाके ये दिखी है बर्फ, और यहाँ से शायद यहीं से बर्फ स्टार्ट है आगे तक। मेरे ख्याल से ये रामपुर नागपुर टापू तक सब यही बर्फ होगी पूरी, वहीं तक यहीं से मतलब बीच में, तो क्या पता बीच में कैसा रूट होगा, देखते हैं बीच में रूट से रामपुर वाला। पता तो ये है कि रामपुर वाला रूट बहुत बहुत ही शानदार है। दो दिन पहले बहुत खतरनाक मौसम था यहाँ, बड़ा बरसात तूफान उफान चल रहा था, अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है। पहाड़ों में आप कहीं जाओ आप हर एक गांव देखने लायक होता है, हर एक गांव देखने लायक ऐसा ही कुछ है। तो भाई नारकंडा पहुंच गए, बड़ी मेहनत लगी आने में, बहुत लंबा रूट था, 60-70 किलोमीटर था वहाँ से, पर मज़ा आ गया आने में। जहाँ से हम चले थे वहाँ से करीब 100-150 किलोमीटर पड़ा है हमारे। सोलन से हम पहले थे और सोलन से पहले हम चले थे नारकंडा आने में, थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि एक तो एक्सीडेंट हो गया था बीच में उसका, जो छोड़ गया था शिमला तक उसकी बाइक पे। उसके बाद बस थोड़ी बर्फ बर्फ थी बीच में, पानी वानी का थोड़ा था, और उसके बाद अब ठीक है, अब रामपुर के लिए निकलेंगे कल सुबह, और रामपुर से आगे नागपुर तक यहाँ टावू जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक आज जाएंगे, आज नहीं कल जाएंगे सॉरी। तो बस कुछ ऐसे ही सीन है आके, देख लो जब तक थोड़ा हो। तो फाइनली हम पुहुना जाकर हम जा रहे हैं कल्पा में, कल्पा में स्टे करेंगे, और कल्पा ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं हम।